की बड़ी खबर, राजधानी जयपुर से आरएसएस बी ने जारी किया है परीक्षाओं का संभावित कार्यक्रम। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आगामी दिनों में आयोजित परीक्षा का संभावित कार्यक्रम जारी कर दिया गया है। 6 चरणों में आयोजित होगी पटवारी भर्ती परीक्षा। 10 जनवरी 2021 से 24 जनवरी तक इसका आयोजन किया जाएगा। अलग अलग विभागों की भर्ती परीक्षाओं की तारीख भी घोषित हो गई है। ललित बने हुए हमारे साथ। ललित, ये जो घोषणा की गई है, अलग अलग जो विभाग है, अलग अलग जो भर्तियां हैं, उनकी भी तारीख का ऐलान हुआ है, क्या कुछ कहा गया इसमें और छात्रों के लिहाज से देखिए कितना बड़ा ऐलान है ये? बिल्कुल अभिनव, दो लंबे समय से एक दर्जन ऐसी भर्तियां थी जिनकी परीक्षा की तारीखा इंतजार किया जा रहा था। हालांकि कोरोना के चलते राजस्थान कर्मचारी चयन की बोर्ड की ओर से सिर्फ संभावित जो परीक्षा कार्यक्रम है उसको जारी किया गया है। सबसे बड़ी भर्ती जिसकी बात करें, पटवारी भर्ती परीक्षा है। पटवारी भर्ती परीक्षा 2020 में आयोजित होनी थी, संभावित तारीख इसकी फरवरी मार्च में संभावित थी, लेकिन कोरोना के चलते ये परीक्षा स्थगित हुई। और अब बोर्ड की ओर से जो नया कार्यक्रम जारी किया गया है, इसमें पटवारी भर्ती परीक्षा 6 चरणों में आयोजित करवाई जाएगी। 10 जनवरी 2021 को जहां पहली परीक्षा होगी, तो वहीं 10 जनवरी को ही दूसरी परीक्षा का आयोजन होगा। उसके बाद 17 तारीख को दो परीक्षा है, 24 तारीख को भी दो परीक्षा है वह आयोजित होगी, यानी कि 6 चरणों में। हर 3 दिनों तक ये परीक्षा होगी, जो 10 तारीख से लेकर 10 जनवरी से लेकर 24 जनवरी तक, और 2 पारियों में परीक्षा का आयोजन होगा। इसके साथ ही विभिन्न विभाग हो, चाहे सार्वजनिक निर्माण विभाग हो, इसके अलावा जल संसाधन विभाग हो, और इसके अलावा जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी हो, कृषि हो, चिकित्सा है, स्वास्थ्य सेवाएं हैं, शासन सचिवालय, इसकी विभिन्न भर्तियों की परीक्षा तिथि भी जो बोर्ड द्वारा है वह संभावित परीक्षा कार्यक्रम जारी किया गया है। हालांकि बोर्ड द्वारा ये भी कहा गया है कि परिस्थितियों के अनुसार से परीक्षा तिथियों में परिवर्तन किया जा सकता है। तो हालांकि जो कोरोना की बात की जाए, वर्तमान दौर में ये लगातार बढ़ रहा है, लेकिन जो परीक्षा का कार्यक्रम है वह 29 नवम्बर 2020 से जारी किया गया है। ऐसे में बोर्ड के पास हालांकि 2 महीने का समय शेष है, लेकिन उसके बाद भी बोर्ड की ओर बिल्कुल समय शेष है, लेकिन तैयारियां उचित स्तर पर करनी है, और ये भी अपने आप में एक बड़ी चुनौती है। शुक्रिया ललित तमाम जानकारी के लिए।